हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज बात उस मूर्ति की होगी जिस मूर्ति के बारे में आपने कहीं पढ़ा या देखा जरूर होगा। इस परियोजना की घोषणा 7 अक्टूबर 2010 को की गई। यह स्टैचू भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री का था। बात उस स्टैचू की है जिसका नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी है। इस मूर्ति का उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्मदिवस पर किया। अब बात इस मूर्ति की डायमेंशन के बारे में है। इस मूर्ति की कुल ऊंचाई 182 मीटर है जो कि 597 फीट होती है तथा आधार सहित इस मूर्ति की कुल ऊंचाई 240 मीटर है जो कि 790 फीट होती है। मूर्ति नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्टैचू को बनाने में टोटल 5 ईयर्स का समय लगा। इस मूर्ति का शिलान्यास 31 अक्टूबर सन था 2013 को हुआ। यह स्टैचू सन 2018 में बनकर तैयार हो गया। इस स्टैचू को बनाने के लिए 3000 करोड़ का बजट रखा गया, बट लार्सन एंड टर्बो कंपनी ने सबसे कम बोली लगाकर इसको अपने नाम किया। इस टेंडर की कुल लागत 2989 करोड़ थी। इस मूर्ति के बगल में डायनासोर की एक मूर्ति बनाई गई जो कि कमजोर कंस्ट्रक्शन का उदाहरण थी तथा एक बार की बारिश में ही वह ढह गई। यह मूर्ति भारत के नए टूरिज्म स्पॉट के रूप में उभरी है जिस कारण इस मूर्ति ने पहले हफ्ते में ही 4 करोड़ की कमाई कर ली थी और एक साल में इसकी औसत कमाई 88 करोड़ रुपए है। इस स्टैचू से इंडियन टूरिज्म को तो बढ़ावा मिला ही है पर साथ में रोजगार भी पैदा हुए हैं। इस मूर्ति के फायदे के साथ साथ घाटे भी हैं। सबसे बड़ा घाटा उन किसानों का है जिनकी ज़मीन लेकर इसे बनाया गया था। किसानों तथा आदिवासियों को इस ज़मीन के सही मुआवजे नहीं मिले जिस कारण उनको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और दुख की बात है कि भारत के इतने महान क्रांतिकारी के लिए चीन की मदद लेनी पड़ी। इसमें लगे 553 पैनल चीन के बनाए हुए हैं जो कि कांस्य के हैं और इस मूर्ति को बनाने के लिए 800 स्थानीय तथा 300 चीनी कारीगरों को बुलाया गया था। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता। इस मूर्ति को बनाने में सबसे ज़्यादा गुजरात सरकार ने पैसा दिया। सन 2012-13 के दौरान ₹100 करोड़ दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, 500 करोड़ रुपए का गुजरात सरकार ने इस मूर्ति की बनाने के लिए दिया और 14-15 में जो केंद्र सरकार का जो बजट था उसमें इस मूर्ति को बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए दिया गया। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कुल 66 महीने लगे। यह कोई मामूली स्टैचू नहीं था। यह स्टैचू 60 किलोमीटर दूर से दिखाई देता है तथा यह स्टैचू स्टैचू ऑफ लिबर्टी का 2 गुना भी है। सरकार का मानना यह भी था कि यह स्टैचू हर साल 1 लाख करोड़ रुपए में कमा कर देगा पर ऐसा नहीं हुआ। भारत की ऐतिहासिक धरोहर ताजमहल जो कि हर साल में लाखों रुपए कमा कर देती है पर स्टैचू ऑफ यूनिटी ने भी उसकी बराबरी कर ली है। लगभग दोनों ही मूर्तियां या धरोहर बराबर रुपए कमा कर दे रही हैं सरकार को। यह मूर्ति जब बनकर तैयार हुई तो व्यूविंग एरिया में पहली बार में ही पानी भर गया था। इससे सरकार के काम तथा इंजीनियरों के काम पर उंगलियां उठने लगीं तथा जब कंपनी से इसका सवाल किया गया तो कंपनी ने कहा ये इस तरीके से डिजाइन ही किया गया है ताकि व्यूविंग एरिया में पानी आ सके। किसानों से जमीन ली गई थी, उनको अभी तक पूरी रकम वापस नहीं की गई है। जो किसान नहीं मान रहे थे उन्हें डरा धमका कर उनसे ज़मीन छीन ली गई तथा आज भी उनको पूरी रकम वापस नहीं है। ना तो उनको रोजगार दिया गया है, ना तो किसी प्रकार की उनको सहायता की गई सरकार के द्वारा। सरकार के लोगों का कहना था कि ये मूर्ति रोजगार पैदा करेगी। रोजगार पैदा करना था तो कई तरीके थे जैसे कि स्किल डेवलपमेंट कोर्स को मनरेगा देना और भी कई तरीके थे पर सरकार ने ऐसा नहीं किया। आपको क्या लगता है, ये मूर्ति बनाकर सही किया गया या गलत किया गया, कमेंट पे बताइए। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। Thank you.